नमस्कार, आप देख रहे भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। भारत में न जाने कितने ब्लॉकबस्टर फिल्मों को रिलीज किया गया और हर फिल्म की ऐतिहासिक कहानी आज के डेट में बन चुका है। इसी कड़ी में एक ऐसी फिल्म की चर्चा हम आपको यहां पे करने वाले हैं जिस फिल्म को निर्देशित किया था विजय शर्मा ने और फिल्म साल 1975 में रिलीज की गई थी। फिल्म का नाम जय संतोषी माँ। इसी फिल्म से कुछ ऐसी ऐतिहासिक कहानी हम आपको यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली फिल्मों की अगर हम बात करें तो आज के डेट में फिल्म बाहुबली और दंगल की तुलना की जाती है। और वही सबसे ज़्यादा अगर चलने वाली फिल्मों की बात करें तो शोले, मैंने प्यार किया और गद्दर जैसी फिल्मों का नाम शामिल यहाँ पर होता है। लेकिन जय संतोषी माँ की कहानी भी बड़ा ही दिलचस्प है। आपको यहाँ पे ये बता दें कि ये फिल्म नॉन स्टार कास्ट से बनी हुई थी फिल्म, यानी कि इस फिल्म में कोई भी चर्चित चेहरा नहीं था। उसके बावजूद ये फिल्म अपनी लागत से 100 गुना ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की लागत 5 लाख रुपए थी और वहीं यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपया का कलेक्शन किया था। इससे आप कैलकुलेशन यहाँ पे लगा सकते हैं कि भारत की एकलौती ऐसी फिल्म जय संतोषी माँ जिसने अपने लागत से 100 गुना ज़्यादा की कमाई की थी। ये वो दौर था जब फिल्मों का विज्ञापन का उतना संसाधन नहीं हुआ करता था। फिल्मों का विज्ञापन या तो टांगे या फिर जिप्सी पे लाउड स्पीकर को बांधकर गांव या फिर शहरों में घुमा घुमा कर किया जाता था। उससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी हम आपको ये बता दें कि जब भी गांव से टांगे या फिर जिप्सी गुजरती थी उसके पीछे पीछे बच्चों का दौड़ने का एक माहौल अलग ही क्रिएट हो जाता था। बच्चे फिल्म को पोस्टर लूटने के लिए वहाँ पर दौड़ते थे। उस पीरियड की हम आपको ये बात बता दें कि जैसा कि आपको मालूम है जय संतोषी माँ एक धार्मिक फिल्म थी। इस फिल्म को देखने के लिए दूर दूर से लोग सिनेमा घरों में पहुंचते थे। और सबसे दिलचस्प बात आपको यहाँ पे ये बता दें कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर के अंदर अपने चप्पल या फिर जूता पहन कर नहीं जाते थे। चप्पल और जूता को सिनेमा घर के बाहर ही निकाल दिया करते थे। इससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी हम आपको बिहार की बता दें। बिहार के पटना में एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इस फिल्म के रिलीज के समय यानी कि जब तक ये फिल्म सिनेमाघरों में चला उस पीरियड में उन्होंने उस समय यानी कि साल 1975 में 1,70,000 रुपये की कमाई की थी सिर्फ चप्पल और जूते का स्टॉल खोलकर। स्टॉल चूंकि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि लोग जो है चप्पल और जूता पहनकर सिनेमा घर के अंदर नहीं जाते थे, तो उन्होंने सिनेमा घर के बाहर ही एक स्टॉल खोल दिया और जो भी शख्स थे जो सिनेमा देखने जाते थे वो अपने चप्पल या जूता को उसी स्टॉल पे डालते थे और 4 आने और 8 आने उस समय में अपने चप्पल या फिर जूता के बदले में दिया करते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय का यानी कि साल 1975 की 1,70,000 रुपये अगर आज की डेट में उसकी आंकड़ा लगाए तो लगभग करोड़ों चला जाता है। तो ये जय संतोषी माँ से जुड़ी हुई बड़ी ही दिलचस्प बातें थी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि माँ संतोषी गणपति बापा की पुत्री हैं जिनको संतोष की देवी कहा गया है। और जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि माँ संतोषी को चना और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और इस फिल्म के रिलीज के बाद ही लोगों ने माँ संतोषी का व्रत आरंभ किया। फिल्म जितनी हिट हुई थी उससे कहीं ज्यादा फिल्म के गाने हिट हुआ था। इस फिल्म के सारे गीत लिखे थे प्रदीप ने और ये वही प्रदीप है जिन्होंने देशभक्ति गाना ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी लिखे थे। तो यकीन नहीं है तो देर किस बात की, हाथ में मोबाइल है जाइए डाउनलोड कीजिए और माँ संतोषी के सारे गानों के सुनिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह गाना कैसा लगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा।